हे गाइस, पिछले बार हमने ये पार्ट 16 जो बनाया था उसको मैं एक बार आप लोगों को कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ। जी देखिए, ये बाहर आ गया, उसने फिश को ले लिया और इसने दबोचा, दबोचने वाले एक्शन, ये उसने पैर उठा के काटा, ये देखिए, और ये यहाँ पे रह गया था। क्या हुआ है तो इसके आगे जाएंगे, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो उसकी कॉपी क्यों बन रही, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए यहाँ से वापस से क्रैप को स्टार्ट किया था, ठीक है। सो अंदर से हमें क्या करना होगा, उसी टाइम पे हमें उसे निकालना होगा। सो ये कौन सी है, 326। अंदर जाते हम लोग, ओके। तो यहाँ पे देखो ये रिपीटेशन एनिमेशन है यहाँ पे। सो यहाँ से हमें निकालना है, तो निकालने के लिए 326 से आगे यहाँ पे ये अगर निकलेगा तो रिपीट एनिमेशन भी यहाँ से छूट जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखिए ये रिपीट एनिमेशन जो है ना, ये ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला। तो फ्रेम नंबर देखिए, पहले यहाँ पे कहाँ से शुरू करना है, 317, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 337। सो 317 337, ये याद रखना और अंदर जाना वापस से, और ये जो एनिमेशन है ना इसे हमें कॉपी पेस्ट करना है। सो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पोज और 317। सो यहाँ पे आके मैं वो पेस्ट पोज कर रहा हूँ, ठीक है। और बाहर आते हमें क्या करना है, मैं एक बार ऐसे ही बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। देखिए, प्लीज़ डाउनलोड माई पिक्टोस पसक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है। प्लीज़ उसे शेयर भी कीजिए और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे ये जो एनिमेशन होगा वो सेपरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सेपरेट एनिमेशन होगा तो यहाँ इसके आगे वाले की फ्रेम हम कॉपी पेस्ट करेंगे बार बार। तो देखिए क्या करना है, तो सेपरेट होगा इसलिए मैंने ये वाली कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर दी, बाद में ये वाली बीच वाली जो है वो कॉपी कर ली। और एक बार बाहर आते हैं और देखते हैं कौन सी वाली की फ्रेम है, 2327। सो अंदर जाते वापस से 327 को हम कॉपी पेस्ट करेंगे ये। सो 327 ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पेस्ट पोस्ट कर देता हूँ, और यही सेम हम कॉपी करेंगे, कॉपी पोस्ट और 337 को करेंगे। अभी तो मुझे याद है कि हमने 337 को किया था। सो पेस्ट पोस्ट, लेकिन याद रखो इसे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके पूरे क्रैप को या फिर सबको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सेट कर दो फ्रेम्स। सो 317 अंदर वाला, ठीक है, सॉरी 317, एंटर दबा दिया, ये हो गया। यहाँ पे आते वापस से और कॉपी करते हैं यहाँ पे 327, ये हो गया। यहाँ पे आते हैं और ऑल सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे फ्रेम नंबर देखो 337, ये सेट कर दिया मैंने। देखिए यहाँ से वो गायब हो रहा है, वैसे भी सो गायब यहाँ से ही हो रहा है अपने आप, दिख रहा है। सो अगर बाहर आते हैं यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे, देखिए ये जो की फ्रेम है ना 317 वाला, सो 317 एंटर कर दिया, उसके बाद ये वाला कितना होना चाहिए, 337, सो 337 देखिए यहाँ से गायब हो गया, दिख रहा है अभी इसके बीच में दिख रहा है, बाद में बाहर से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमें कॉपी पेस्ट करने का जो किया था वो निकाल देते हम लोग, यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। सो क्लियर की फ्रेम्स, अभी बाहर आते तो एक बार देख लेते, देखिए क्या हुआ, देखो यहाँ से छूट गया और वो गिर जाएगा, तो निकल भी जा रहा है वो क्रैप, ठीक है। सो ये हो रहा है अभी एनिमेशन, अभी और करना बाकी है, मतलब हमें कॉपी पेस्ट और एक बार करना होगा। मतलब देखिए ये जो है वो मैंने कॉपी पोस्ट कर दी, और ये बीच में यहाँ पे इनके डिस्टेंस के हिसाब से मुझे ये यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सो नहीं,
347 होगा शायद से पेस्ट पोज, और यही हमें क्या करनी है वापस से कॉपी पोज और यहाँ पे 357 सो पेस्ट पोज। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें क्या करना है देखो, यहाँ पे इसे ऐसे एनिमेशन रखेंगे देखिए इस तरीके से, ठीक है। सो अभी ये कहाँ तक आया 357, बाहर आते हैं और 357 यहाँ पे देखिए 357, सो ये 357 यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, और ये वाली की फ्रेम अभी हम बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे इतनी सारी। सो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी और एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अगर लगी तो देखेंगे। सो ये हो गया, तो ये काम आप लोगों को करना होगा, कॉपी पेस्ट कर दिया, बाहर आते हैं तो वो आगे चला गया देखो सेम एनिमेशन करते कर दिख रहे, उसके बाद और भी कर रहे लग रहे हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ ये जो है ना क्रैब जो है वो नीचे गिरना चाहिए, तो वो हम नीचे गिराते उसे इंसर्ट की फ्रेम, और ये नीचे गिर गए इस तरीके से यहाँ पे, बस इतना ही हमें दिखाना है। वो अंदर जा रहा है वगैरह ये इसकी ज़रूरत तो नहीं है, क्लासिकल रूम देखिए दिख रहा है, लेकिन हमें अंदर एनिमेशन भी करना होगा। सो मैं ज़रा फर्स्ट पे जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये उसने उठाया और एनिमेशन यहाँ पे करना है हमें, ये काट लिया ना। सो एक बार मैं सिर्फ देख लेता हूँ, हम इतने से ही इसको गिराएंगे, शॉट को चेंज कर देंगे, ठीक है, ऐसे सिर्फ दिखाएंगे कि वो गिर गया। अभी पहले हम क्या कर लेते हैं, कैमरा एनिमेशन भी कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा कि हमें क्रैब का एनिमेशन आगे करना है या फिर नहीं करना है। सो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ वही है कैमरा एनिमेशन, सो कैमरा ले लेते हैं, सेव, बाहर आते हैं, कैमरा यहाँ पे ही है। तो देखिए क्या करना है, पहले ये स्टार्टिंग पे ऐसे ही रहेगा और अंदर देखते हैं एक बार, ठीक है स्टार्टिंग पे यही रहेगा कैमरा, बाद में इसने उठाया, उठाने के लिए यहाँ पे रुका, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट की फ्रेम कर लेता हूँ, पहले इंसर्ट की फ्रेम, और हमें क्या करना है देखिए, ये जो कैमरा है वो जूम इन कर लेना है। सो जूम इन कर लेता हूँ, ज़्यादा ही कर लेना क्योंकि सिर्फ हमें ये जो क्रैब है ना वही दिखाना है। जूम इन कर लेता हूँ मैं, बढ़ गया बहुत, ये ठीक है। तो देखिए ऐसे किया, इसने उठाया, तो हमें जूम आउट जो करना है तो ये इसने उठाया, और उसी टाइम पे यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम कर लेता हूँ, और ये जो फर्स्ट वाली की थी वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कैमरे की। तो मैंने ऑल्ट होल्ड रखा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी देखिए, और इसका एनिमेशन करते तो मज़ा आएगा देखने के लिए। सो इंसर्ट की फ्रेम, सॉरी इंसर्ट की फ्रेम करना था, और यहाँ पे क्लासिकल ट्विन देते दिख रहे हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा और नज़दीक होगा इस तरीके से, देखिए ये जो एक्सप्रेशन हो रहे हैं ना उसके उसके हिसाब से यहाँ पे मैं एक इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये देखिए एक इंसर्ट की फ्रेम में क्या कर रहा हूँ देखिए एक बार, सॉरी
कंट्रोल माइनस, हाँ ये वाली की फ्रेम हमें कॉपी पेस्ट करनी है वहाँ पे बीच में क्यू में। एक बार दिखा देता, देखिए एनिमेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करवाने क्लासिकल ट्विन। तो देखिए ये ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से एनिमेशन होगा। तो जो क्रैप रिएक्शन दे रहे हैं उसके हिसाब से मैंने थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया कि देखिए यहाँ तक ठीक है। तो देखिए ये हो गया, उसके बाद ये एनिमेशन होगा। सो क्रैप का एनिमेशन तो नहीं है इसके बीच में। इसके बाद जल्दी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम और ये जो हैरान दिख रहे हैं ना उसके ऊपर हम फोकस करेंगे ऐसे। एक मिनट में शो फ्रेम करके देख लेता हूँ। अच्छा थोड़ा हम पीछे कर लेते हैं इसे थोड़ा इस तरफ, ठीक है, ताकि क्रैप भी हल्का सा दिखाई दे और वो भी दिखाई दे। सो ये इसने रखा पैर, ऐसा एनिमेशन है इसका, और इस तरीके से करने लगा। सो ये वाली जो की फ्रेम है ना, यहाँ से हम लोग वापस से रख देंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके। देखिए ऐसे होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन करेंगे सीन का, इंसर्ट की फ्रेम और वो जाएगा यहाँ तक, इंसर्ट की फ्रेम, थोड़ा पीछे ले लेता हूँ क्लासिकल ट्विन, और यहाँ पे हम लोग क्रैक के नज़दीक लेके आएंगे। और ये देखिए हमें ऑडियंस को दिखाना होगा कि क्रैक के जो रिएक्शंस हैं वो कैसे दिख रहे। सो देखते हैं ये वाला, ये वाला मैंने कॉपी, एक कॉपी से अच्छा इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, अल्ट ऑल्ट रख के कॉपी कर लेता हूँ। से यहाँ पे देखिए दिख रहा है। सो ये थोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, क्लासिकल ट्विन। सो ये फोकस होगा यहाँ पे पहले, बाद में यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे फोकस होगा, दिख रहा है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, देखिए ये ऐसे ऐसे कर रहा है और बाद में ये, समझ में आ रहा है। सो एक बार कंट्रोल एंटर करके मैं दिखा देता आप लोगों को कि कैसे दिख रहा है। देखिए सो एनिमेशन तो ठीक ही लग रहा है, वो आया उसने उठाया, ये देखिए ये, और ऑडियंस को ये दिखा और वो उठा के लेके जा रहा है, तो यहाँ पे अलग होना चाहिए, ठीक है। उसने काटा ना, काटने के बाद इसके भी एक्शंस दिखने चाहिए। तो काटा जोर से, सो यहाँ से अलग दिखाई देगा, अलग मतलब इसके ये वाली की फ्रेम। तो हेरोन के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं रख देता फिलहाल के लिए ऐसे ही, ये उसने काटा और यहाँ से काटा, दिख रहे,
और ये थोड़ा हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा छोटा एक्चुअली बड़ा कर देते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके दोनों को दिखाई दे ऐसे। यहाँ पे हमने कट वगैरह तो ज़्यादा किया है देखा जाए तो, लेकिन उनके एक्सप्रेशन के हिसाब से किया। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे पहले मैं सेव कर लेता एक बार। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट की फ्रेम कर दी, तो 190 तक किया था एक्चुअली ये। क्लियर की फ्रेम इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 170 से करना होगा। क्लियर की फ्रेम 170 को, सॉरी क्लियर की फ्रेम करने से अच्छा वो वाली की फ्रेम आगे लेके जाए। हाँ उसके बाद ये ऊपर लेके जाएगा 190 को। इंसर्ट की फ्रेम, तो हमें एनिमेशन करना होगा सीन का उसके हिसाब से। तो ये मैंने क्या किया, इस तरफ लेके आया, तो सीन भी ऐसे वैसे होगा तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो क्रैब है उसको एनिमेट करने की ज़रूरत होगी। देखिए इसके बाद 130, तो इंसर्ट की फ्रेम कर दी मैंने और इसे इस तरफ लेके आए, सेंटर में लेके आओ जितना हो सके उतना। अभी वापस से अभी यहाँ पे गिर रहा है ना बीच में ही, तो ये देखिए इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्लासिकल ट्विन देख के ये जो गिर रहा है तो थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, फिर उनके हिसाब से मैच कर लेंगे हम लोग पहले। तो लेकिन गिर रहा है वो भी दिखना चाहिए, हेरों कट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे काम कर रहे थोड़ा सा ना बड़ा कर देते इस तरीके से, ताकि वो भी दिखाई देखे वो गिर रहा है। देखिए ये गिर गया, सो यहाँ तक गिर गया। इंसर्ट की फ्रेम और उसके बाद एक इंसर्ट की फ्रेम यहाँ पे कर लेते हैं। गिरने के बाद यहाँ पे क्लासिकल ट्विन और ये जो सीन है थोड़ा एक्चुअली एक तो एक्सटेंड करना होगा हमें, देखिए वो गिर गए ना तो एक्सप्रेशन वगैरह भी देने होंगे हमें। तो अंदर जाके ये गिर गया, इसके बाद एक जूम इन कर लेते हैं। सो ये जो है अभी हेरन को सिर्फ हम क्या दिखेंगे, ऊपर वाला इतने ही पार्ट दिखेंगे 360 तक, इसके आगे एनिमेशन नहीं करेंगे। सो ये निकाल दिया मैंने, क्लियर की फ्रेम कर दिए, क्लियर फ्रेम्स, एक्चुअली रिमूव फ्रेम्स चाहिए। सो एक बार मैं कंट्रोल एंटर करके देख लेता हूँ कि एनिमेशन कैसे दिख रहा है। अगर क्रैब को एनिमेट करना है तो करना होगा, वो देख लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे उसने उठाया, यहाँ आया, उसने इस तरीके से किया और इसने काट दिया। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।